गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। यू आर मोस्ट वेलकम इन नर्सिंग इनोवेशन। एंड आज हम आपके लिए लेकर आए एक नया टॉपिक, एंड टॉपिक इज सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। सो लेट्स वी स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन की, कि एक्चुअली में मीनिंग क्या होता है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम का। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं। अनएक्सपेक्टेड डेथ ऑफ एन इन्फेंट बिलो 1 ईयर ऑफ एज। जैसे आप जानते हैं इन्फेंट बर्थ से और 1 ईयर की एज के जो बेबी होते हैं उन्हें इन्फेंट बोलते हैं। ओके तो अनएक्सपेक्टेड डेथ ऑफ एन इन्फेंट बिलो 1 ईयर ऑफ एज ड्यू टू एनी डिफेक्ट इन ब्रेन पार्ट दैट कंट्रोल रेस्पिरेशन एंड अराउजल फ्रॉम स्लीप मोस्टली ड्यूरिंग द स्लीप। यानी कि किसी भी वजह से किसी बेबी की अचानक से डेथ हो जाती है। मान लो कि अभी उनके घर वालों ने किसी बच्चे को अभी सुलाया है, या फिर अभी उसको लेटा दिया और थोड़ी देर के लिए इधर उधर चले गए, और थोड़ी देर के बाद यानी कि कुछ हाफ आवर या 1 घंटे बाद या कुछ घंटे बाद आके देखते हैं तो बेबी क्या होता है, मरा हुआ मिलता है। तो इस कंडीशन को मतलब अनएक्सपेक्टेड थी, लग नहीं रहा था कि बेबी को कुछ हो जाएगा। कोई साइन सिम्टम नहीं थे, कोई भी डिजीज कंडीशन प्रेजेंट नहीं थी, फिर भी अनएक्सपेक्टेड यानी कि डेथ हो चुकी है किसी इन्फेंट की। तो इस कंडीशन को बोलते हैं सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। अब ये क्यों होता है, क्योंकि मेनली रूप से तो ब्रेन के पार्ट होता है वो कंट्रोल करता है जो रेस्पिरेशन को और अराउजल फ्रॉम स्लीप। वो क्या होता है, उसके अंदर एबनॉर्मलिटी होती है, उसका कंप्लीट रूप से डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो क्या होता है, स्लीप के दौरान अचानक से बेबी मर जाता है। अब मान लो ब्रेन का कोई पार्ट अच्छे तरीके से काम कर रहा हो और कोई डिफिकल्टी आई रेस्पिरेशन में, तो बेबी क्या होगा, अचानक से उठ जाएगा और रोने लग जाएगा। बट यहाँ पे जो अराउजल फ्रॉम स्लीप है और रेस्पिरेशन को कंट्रोल करने वाला ब्रेन का पार्ट है, वहाँ पे डिफेक्ट प्रेजेंट था, इसलिए कोई भी रिस्क फैक्टर है जो इसको डेथ को लीड करते हैं उनके अराइज होने के बाद बेबी अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाया। ओके तो क्या होगी, उसकी डेथ हो जाती है। क्लियर। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हम, कि मोस्टली कौन सा एज ग्रुप अफेक्टेड होता है। तो 2 टू 3 मंथ के जो एज ग्रुप के इन्फेंट होते हैं, जो बेबी होते हैं, उनके अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है क्या, SIDS यानी कि सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। क्लियर। नेक्स्ट बात करेंगे अपन एटियोलॉजी की, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो SIDS को लीड करते हैं। तो इसका कोई एग्जैक्ट कॉज नहीं है, अननोन कॉजेज हैं, बट कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो कि सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम को लीड करते हैं। अब हम उनकी बात कर लेंगे, रिस्क फैक्टर कौन से हैं। और जैसा कि आप नाम से पता चल रहा है सडन डेथ हो चुकी है किसी इन्फेंट की, तो अब डेथ हो चुकी है उसके बाद ट्रीटमेंट तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि मरने के बाद किसी इंसान को जिंदा थोड़ी किया जा सकता है। तो प्रिवेंशन इसका उपाय है। तो हम रिस्क फैक्टर के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन से रिस्क फैक्टर होते हैं, ताकि हम प्रिवेंशन करने में आसानी हो, उन जो रिस्क फैक्टर को अवॉइड कर देंगे और बेबी को क्या कर लेंगे, प्रिवेंट कर लेंगे सडन डेथ से। ओके ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि डेथ होने के बाद इंसान को जिंदा नहीं किया जा सकता है। क्लियर। तो प्रिवेंशन ही इसका ट्रीटमेंट है। सो हम बात कर लेते हैं रिस्क फैक्टर की। तो प्रोन पोजीशन, अगर स्लीपिंग के दौरान प्रोन पोजीशन में है बेबी, तो ये भी लीड कर सकता है SIDS को। कैसे करेगा उसकी बात करें, बिकॉज इन प्रोन पोजिशन बेबी माउथ प्लेस डाउनवर्ड दैट लीड रिब्रीथ द एक्सहेल्ड एयर एंड इट लीड इंक्रीज CO2 एंड डिक्रीज O2 लेवल। जैसे ही बेबी प्रोन पोजिशन में होता है तो क्या होगा, उसका जो माउथ है वो बेड की साइड होता है, यानी कि जो बेड के ऊपर जो भी मैट्रस है या जो भी कुछ भी चादर वगैरह है उसके अंदर डिप्रेस हो जाता है, और जब बेबी एक्सहेल करता है तो वो पूरी जो CO2 बाहर निकालता है वो वहीं पे ट्रैप हो जाती है उसके बेड के ऊपर ही, और वापस से जब रीब्रीथ करता है तो वो CO2 को ही अंदर एक्सहेल कर लेता है। तो क्या होगा, ऑक्सीजन कम जा पा रही और ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जा घट जाता है, और CO2 का लेवल धीरे धीरे बॉडी के अंदर बढ़ता जाता है। इससे क्या हो सकता है, अचानक से डेथ हो सकती है बेबी की, जैसा कि आप इस तरीके से देख रहे हैं। तो प्रोन पोजीशन में ऐसे डाउनवर्ड रहेगा माउथ और नोज, तो ये क्या होगा, जैसे ये एक्सेल करेगा वो एयर वहीं पे मैट्रस के पे ही यहाँ पे कलेक्ट रहेगी, और वापस बेबी जब रीब्रीथ करता है तो वो एक्सेल्ड एयर ही वापस इनहेल हो जाती है। तो क्या होती है, एक्सेल्ड एयर CO2 होती है। ठीक है, तो इस तरीके से धीरे धीरे करके थोड़े से टाइम बाद में वो CO2 का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है बेबी का, और डेथ हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे उसके ब्रेन वगैरह जो रेस्पिरेशन को कंट्रोल करते हैं वो उनके अंदर डिफेक्ट प्रेजेंट है। तो वो क्या करेंगे, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, डिफेंस नहीं कर पाएंगे इसके अगेंस्ट, और बेबी की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे सॉफ्ट बेडिंग। सॉफ्ट बेडिंग में क्या होगा, जैसे सॉफ्ट बेड या कोई सॉफ्ट मैट्रस है या सॉफ्ट गद्दा है उसके अंदर, उसके ऊपर बेबी को अगर प्रोन पोजिशन में लेटा दिया गया तो क्या होगा, उसका माउथ उसके अंदर डिप्रेस हो जाता है, और डिप्रेस होने से क्या हो जाएगा, दम घुटने लग जाएगा, और बेबी की क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। थर्ड वन बात कर लेते हैं ओवर हीटिंग ड्यू टू कवर विद लार्ज नंबर ऑफ क्लॉथ। ओवर हीटिंग भी बेबी की अचानक से डेथ को कोच कर सकती है, क्योंकि ये क्या करती है, लार्ज नंबर ऑफ क्लॉथ अगर किसी बेबी को पहना दिया गया तो एक्सेसिव हीट प्रोड्यूस होगी, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब क्या होगा उसके बाद, क्योंकि बॉडी जो बेबी की इन्फेंट की जो
बॉडी होती है वो मोर सेंसिटिव होती है एक्सट्रीम टेम्परेचर के प्रति, और उसके बाद बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाती क्योंकि उसके ब्रेन के पूरे पार्ट अच्छे तरीके से मैच्योर नहीं हुए, फंक्शन नहीं कर पा रहे, तो एक्सेसिव टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर पाता बेबी एंड डेथ हो जाती है उसकी। ओके, नेक्स्ट रिस्क फैक्टर देख लेते हैं, स्मोकिंग। अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है या मदर, सबसे ज़्यादा बेबी के पास कौन रहते हैं, उसकी माँ ही रहेगी। अगर माँ ही सिगरेट पी रही है तो सिगरेट से धुआं निकलता है, उसको कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, वो क्या कर सकती है रेस्पिरेशन के साथ बेबी के लंग्स में जाएगी और वहाँ पे क्या कर देगी, डेथ कोच करती है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो जाएगी बेबी को और बेबी की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। फिफ्थ फैक्टर देख लेते हैं, ब्रेन एब्सेशन की। ब्रेन के अंदर कोई भी पस वगैरह कलेक्शन हो चुका है तो वो कंडीशन भी क्या कर सकती है, सडन बेबी डेथ को लीड कर सकती है। नेक्स्ट वन बात करते हैं प्री मैच्योर बेबी। अब प्री मैच्योर बेबी के अंदर क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे मेडुला ओब्लोंगेटा जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है वो इमेच्योर होता है, तो इस वजह से बेबी के रेस्पायरेशन वगैरह अच्छे तरीके से कंट्रोल नहीं हो पाते और बेबी की क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है अगर प्री मैच्योर बेबी है तो, यानी कि जो 37 वीक से पहले किसी की डिलीवरी हो चुकी है। ओके, अब हम बात करेंगे असेसमेंट की, कैसे असेस करेंगे कि कोई बेबी प्रोन है एसआईडीएस के, सडन इन्फेंट की डेथ हो सकती है, तो कौन कौन से सिम्टम्स अपने को देखने को मिल सकते हैं वो, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि इसकी अचानक से डेथ हो सकती है अगर ये सिम्टम देखने को मिल रहे हैं, अगर उनको ट्रीट नहीं किया गया तो। अगर ब्लूइश कलर है बेबी का तो किसको इंडिकेट करेगा कि ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो चुका है बॉडी के अंदर और CO2 का लेवल बढ़ रहा है, तो ये एसआईडीएस को लीड कर सकते हैं, तो इसको प्रिवेंट कर लेंगे अपन और उसकी लाइफ को सेव कर लेते हैं। या फिर स्मॉल टिंग्ड माउथ के अंदर, नोज के अंदर या माउथ के अंदर इस ब्लड की बूंदें देखने को मिल रही, क्योंकि जैसे ही रेस्पिरेटरी स्ट्रेस या फिर अन्य एब्नॉर्मलिटी क्रिएट होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और बेबी की जो टिश्यू वगैरह होते हैं लूज होते हैं, कैपिलरीज अच्छे तरीके से हार्ड नहीं होती है, तो रप्चर होने की वजह से ब्लड टिंग देखने को मिल सकता है माउथ और नोज के अंदर। ओके, और अगर क्लींस फिस्ट, ये भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होने के कारण मसल स्टोन बढ़ जाती है और बेबी की मुठ्ठियाँ बंद हो जाती हैं। अगर ये तीन चीज़ मेनली रूप से देखने को मिल रही किसी बेबी में तो किसको इंडिकेट करता है, ये बेबी को एसआईडीएस हो सकता है, तो इनको प्रिवेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ऐसा किसी के अंदर देखने को मिल रहा है तो हमें जल्द से जल्द एक्शन लेना ज़रूरी है, वरना बेबी की क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। अब हम बात करेंगे प्रिवेंशन की। जैसा कि आप जानते हैं कि डेथ होने के बाद किसी को जिंदा नहीं किया जा सकता, तो प्रिवेंशन इसका ट्रीटमेंट है, तो कौन कौन से प्रिवेंशन करके हम एसआईडीएस होने से प्रिवेंट कर सकते हैं, बेबी को मरने से बचा सकते हैं। फर्स्ट वन देख लेते हैं अपन, अवॉइड द प्रोन पोजीशन। तो सबसे जो मेन कॉज है वो कौन है, प्रोन पोजीशन, तो प्रोन पोजीशन को अवॉइड करना है स्लिप के दौरान, और बेबी को ज़्यादा से ज़्यादा रखना है कि वो सुपाइन पोजीशन में ही रहे या फिर लेटरल पोजीशन में, लेटरल पोजीशन में भी ज़्यादा देर नहीं रखना है क्योंकि लेटरल पोजीशन से प्रोन पोजीशन में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो मेनली रूप से सुपाइन पोजीशन ही प्रोवाइड करनी चाहिए। आफ्टर फीडिंग प्रोवाइड सुपाइन पोजीशन टू द बेबी एंड अवॉइड प्रोन पोजीशन बिकॉज प्रोन पोजीशन अफेक्ट प्रोटेक्टिव रेस्पिरेटरी रिफ्लेक्स एंड लीड रेस्पिरेटरी डिस्टर्बेंस। जैसे किसी बेबी को फीडिंग करवा दी यानी कि दूध पिला दिया, उसके बाद प्रोन पोजीशन में नहीं प्लेस करना है, सुपाइन में प्लेस करना है। अगर प्रोन में कर दिया तो क्या हो सकता है, सबसे पहले तो स्टोमक के फुलनेस होने की वजह से डायफ्राम पे प्रेशर आएगा तो अच्छी तरह से लंग्स एक्सपांड नहीं हो पा रहे, दूसरा जो रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है वो भी अफेक्ट हो जाते हैं प्रोन पोजिशन की वजह से, जिस कारण रेस्पिरेटरी डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकता है। ओके, थर्ड प्रिवेंशन की बात कर लेते हैं, और जो मदर है या फैमिली मेम्बर हैं उनको रिस्क फैक्टर के बारे में बताना, जो जो रिस्क फैक्टर सडन इन्फेंट डेथ को लीड करते हैं उनके बारे में, ताकि वो प्रिवेंट कर पाएँ घर के घर पे रहें तब। ओके, फोर्थ वन बात कर लेते हैं प्रिवेंशन की, प्रोवाइड टाइम टू टाइम ब्रेस्ट फीडिंग टू द बेबी एंड ऑफर पेसीफर्स। पेसीफर्स का मतलब डमी निप्पल, जो निप्पल्स आते हैं वो वाइल स्लीपिंग टू मेंटेन रेस्पिरेटरी रिफ्लेक्स। बार बार उसको टाइम टू टाइम फीडिंग करवानी है ताकि जैसे ही बेबी सकिंग करेगा और स्वालोइंग करेगा तो उसके जो रेस्पिरेशन वगैरह के जो सेंसेशन है वो अच्छी तरीके से ब्रेन तक पहुँचते रहें और रेस्पायरेशन रिफ्लेक्स मेंटेन रहे। और डमी प्रीफर करते हैं जब बेबी सो गए तो उसके माउथ के अंदर निप्पल प्लेस कर देंगे ताकि वो सोते सोते भी उसके सकिंग करता रहेगा, तो क्या होगा जो रेस्पिरेटरी रिफ्लेक्स अच्छे तरीके से मेंटेन रहेंगे, कंटिन्यू रहेंगे और डेथ से प्रिवेंट किया जा सकता है। इस तरीके के जो पेसीफर्स आते हैं ये डमी निप्पल, इनको बेबी के माउथ में प्लेस करना है स्लीपिंग के दौरान। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं प्रिवेंशन की, प्रोटेक्ट द बेबी फ्रॉम ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग से प्रोटेक्ट करना है उसको, कूल एनवायरमेंट प्रोवाइड करना है
एंड ज़्यादा कूल भी नहीं, क्योंकि बेबी के अंदर हाइपोथर्मिया की कंडीशन भी देखने को मिलती है जो इन्फेंट होता है आफ्टर बर्थ के बाद, जो मेन कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो नॉर्मल रूप से हीटिंग रखनी, ज़्यादा उसको ओवर हीट नहीं करना, ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर गर्म कपड़े नहीं पहनाने उसको, ओके। नेक्स्ट प्रिवेंशन की बात करते हैं, यूज़ फिर्म एंड फ्लैट सरफेस फॉर बेबी स्लीपिंग। जो बेबी स्लीपिंग के लिए जो सॉफ्ट बेडिंग को अवॉइड करते हैं, क्योंकि सॉफ्ट बेडिंग की वजह से क्या होता है, उसका माउथ डिप्रेस हो सकता है, उसके अंदर दस सकता है और दम घुटने की वजह से डेथ हो सकती है। इसलिए फ्लैट सर्फेस पे और थोड़ी सी हार्ड, ज़्यादा हार्ड भी नहीं, तो बिल्कुल मतलब कि अनकम्प्रेसेबल जो मैट्रेस यूज करते हैं, ओके। सेवन्थ नंबर प्रिवेंशन की बात कर लेते हैं, डोंट पुट द सॉफ्ट, जो सॉफ्ट ऑब्जेक्ट और लूज बेडिंग है वो बेबी के ऊपर या फिर नीचे प्लेस नहीं करते, क्योंकि ये क्या सफोकेशन को लीड कर सकते। सफोकेशन का मतलब क्या, दम घुटना। अगर जैसे कि कोई भी सॉफ्ट ऑब्जेक्ट है, सॉफ्ट बेडिंग या लीजन वगैरह उस बेबी के ऊपर लगा दिए, नीचे लगा दिए, तो वो माउथ डिप्रेस कर सकता है और सफोकेशन की कंडीशन हो सकती है। ये किसको लीड कर देगी, सडन डेथ को लीड कर सकती है। नेक्स्ट प्रिवेंशन की बात करेंगे, इंस्ट्रक्ट द मदर एंड अदर फैमिली मेम्बर टू अवॉइड स्मोकिंग अराउंड द बेबी के चारों ओर अवॉइड करना है, और फैमिली मेम्बर्स को बताना है कि बेबी के आसपास स्मोकिंग नहीं करनी, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो सकती है और वो डेथ को लीड कर सकता है, ओके। सो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। चलो फिर, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।